सलमान खान का कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का आगाज हो गया है, लेकिन घर में अपने लिए लड़ने वाली, अपने लिए स्टैंड लेने वाली, सही को सही और गलत को गलत बोलने वाली शिफाली बग्गा अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है शिफाली बग्गा, कहां से आई है शिफाली, क्या करती है शिफाली, क्या है इनका बैकग्राउंड? अगर नहीं जानते तो फिक्र मत करिए, हम देंगे आपको इन सब बातों का जवाब। तो चलिए बताते हैं। शिफाली पहले भी टेलीविजन का चेहरा बन चुकी हैं, क्योंकि वो पेशे से एक न्यूज एंकर हैं। शिफाली इंडिया टुडे ग्रुप के चैनल तेज की एंकर रह चुकी हैं। हालांकि बिग बॉस में आने के बाद शिफाली की चर्चा पहले से ज्यादा हो रही है। शिफाली ने बिग बॉस में बताया है कि उनके लिए यहाँ आना खुशी की बात है, और जब न्यूज बताने वाले न्यूज में आ जाए तो और भी अच्छा लगता है। बता दें कि शिफाली बग्गा का जन्म 1 जुलाई 1994 में दिल्ली में हुआ। खूबसूरती के मामले में शिफाली किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। 25 साल की शिफाली फिलहाल सिंगल हैं। शिफाली बग्गा का करियर। शिफाली दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी स्कूलिंग दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित सचदेवा पब्लिक स्कूल से हुई है। इसके बाद शिफाली ने आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी ऑनर्स में की। फिर शिफाली ने सेंट स्टीफंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप से पत्रकारिता की भी पढ़ाई की। पत्रकारिता में डिग्री हासिल करने के बाद शिफाली बग्गा ने साल 2015 में डीओ से अपनी पढ़ाई पूरी की, और कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद शिफाली ने बतौर इंटर्न आज तक टीवी चैनल ज्वाइन किया। शिफाली लगभग 3 साल तक बतौर एंकर आज तक न्यूज चैनल में काम करती रही। शिफाली इंडिया टुडे के तेज चैनल में शो को होस्ट करती हैं। सोशल मीडिया पर भी चलता है शिफाली का जलवा। टीवी के अलावा शिफाली सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद की जाती है। इंस्टाग्राम पर उनके 77,700 फॉलोअर्स हैं। बिग बॉस में आने के बाद कई लोगों ने फॉलो करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर शिफाली काफी एक्टिव रहती हैं। शिफाली इंस्टाग्राम पर स्नैपचैट, टिकटॉक, जिमिंग, पार्टी, ट्रेवल के फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं। इसके अलावा शिफाली बग्गा के नाम से उनका एक यूट्यूब पेज भी है। वैसे शिफाली ने बिग बॉस 13 के घर में तो धमाल मचा रखा है, लेकिन आपको क्या लगता है, शिफाली शो में आगे जाएंगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।